हेलो एवरीवन, चलो बनाते हैं ये झटपट सा चिकन शोरबा मेरे स्टाइल में। यहाँ पर मैंने लिया है ये हाफ के जी चिकन, जिसको मैंने मैरिनेट कर लिया है। यहाँ पर मैंने 6 अनियंस लिए हैं और 2 टमाटर। 6 प्याज मैंने इसीलिए लिया है क्योंकि इनके साइजेस जो है वो थोड़े से छोटे हैं। आप चाहें तो 4 प्याज भी ले सकते हैं। देन इनको जो है लंबे लंबे स्लाइसेस में कट कर लेना है, बिल्कुल ऐसे ही, ताकि ये ज़्यादा पकने में टाइम नहीं लेते हैं। यहाँ पर लिया मैंने एक पैन जिसमें मैंने पहले प्याज ऐड कर लिया है। इसको मैं अच्छे से भून लूँगी इन द सेंस इसका जितना भी पानी है ये पहले सुखा लूँगी, ताकि फिर जब हम इसमें ऑयल ऐड करेंगे तो ये पकने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लेंगी और बिल्कुल जल्दी जल्दी से ही गोल्डन ब्राउन हो जाएगी। फिर मैंने इसमें ऐड किया है ये ऑयल। ऑयल आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं, जितना आप ऑयली खाना पसंद करें। मैंने यहाँ पर लगभग 2 टेबल स्पून ऑयल ऐड किया है। यहाँ पर मेरी प्याज जो है वो गोल्डन ब्राउन हो चुकी है, बहुत अच्छे से फ्राई हो चुकी है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी हमारा चिकन जो हमने मैरिनेट करके रखा था। मैरिनेशन का शॉट मेरे चैनल पे ऑलरेडी अपलोड है, तो आप वहाँ पर चेक कर सकते हैं। देन यहाँ पर मैंने 1/2 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड किया हुआ है, उसको अच्छे से भून लेंगे। देन उसमें टमाटर ऐड करेंगे, इसको भी अच्छे से मिक्स करके भून लेंगे लगभग 5 मिनट। देन हमने सूखे मसाले ऐड किए हैं, लाल मिर्च, हल्दी, धनिया पाउडर, गरम मसाला, इसे भी ऐड कर लेंगे। फिर मैंने ऐड किया है नमक और पानी, जितना आपको गाढ़ी और पतली ग्रेवी चाहिए उतना आप पानी इसमें ऐड कर सकते हैं। मैंने बहुत ज़्यादा पानी नहीं ऐड किया है, बहुत थोड़ा सा। फिर मैंने लास्ट में इसमें हरी मिर्ची ऐड की हुई है। फिर इसको ढककर हमें पकाना है लगभग 10 से 15 मिनट के लिए। यहाँ पर हमारा जो चिकन शोरबा है वो रेडी हो चुका है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर जो है ग्रेवी मैंने बिल्कुल भी पतली नहीं रखी हुई है, यहाँ पर थोड़ी सी सूखी टाइप ऑफ ग्रेवी है क्योंकि मेरी फैमिली को ऐसी ही ग्रेवी पसंद। तो चलिए कर लेते हैं हम इसे डिश आउट, और ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और अमेजिंग से ये चिकन शोरबा बना था। आप इसे रोटी, राइस, किसी के भी साथ इंजॉय कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपनी फैमिली, फ्रेंड्स, जिसके साथ भी आप शेयर करना चाहें ज़रूर से शेयर करिए। मिलती है अपने नेक्स्ट वीडियो के